हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और सभी को बहुत पसंद आने वाला वीडियो है। और फ्रेंड्स, आप इसको व्रत में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये व्रत स्पेशल मैंने मखाने की खीर बनाई है। तो ये जो मखाने की खीर है ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो फ्रेंड्स, मखाने की खीर बनाने के लिए मुझे किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने मखाने ही लिए हैं। मैंने ये एक कटोरी मखाना लिया है, बड़ा बाउल एक मखाने का लिया है। और फ्रेंड्स, मखाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिए कि मखाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम खीर बनाने के लिए इन मखानों को, ये देखिए ये मखाने जो है इनमें हल्का हल्का सा मॉइस्चर है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि हम इनको घी रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पैन में घी डाला है और इसको घी को मैंने गर्म कर लिया है। तो देखिए, घी हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मखाने हमने लिए हैं वो मखाने मैं इसके अंदर डालूँगी और उनको मैं घी रोस्ट कर लूँगी। तो जैसे ही हम इनको रोस्ट कर लेते हैं ये अच्छे कुरकुरे से हो जाते हैं और जैसे ये क्रंची होते हैं ना, तो क्रंची जो मखाने होते हैं उनकी खीर, नमकीन जो भी हम बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले कुछ भी आप मखाने का बना रहे हो तो सबसे पहले आप इनको घी रोस्ट कर लीजिए। तो देखिए, मैं इसको कंटिन्यू ऐसे हिलाते हुए गैस के फ्लेम को स्लो टू मीडियम रखते हुए और मखानों को घी रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए, जैसे जैसे ये रोस्ट होंगे बिल्कुल ऐसे बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से सिक्के तैयार हो गए हमारे मखाने। तो अभी हमें क्या करना है, इन मखानों को हम निकाल लेते हैं एक अलग बाउल में। तो देखिए, मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं अच्छे से और जैसे जैसे ये ठंडे होंगे रोस्ट होने के बाद में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएंगे। तो इनको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखिए, सारे सिक गए हैं तो इनको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद में मैंने ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने ये बादाम लिए हैं, 5-6 बादाम जिनको डबल पीस में मैंने कट कर लिया है और वो बादाम की कतरन थी। और ये मैंने किशमिश लिया है और ये लिए मैंने काजू। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए, मैंने दोबारा से 1 चम्मच घी का डाला है उसी पैन में और उसमें मैंने डाल दिए हैं काजू और काजू को मैं अच्छे से घी रोस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आप खीर में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो उनको जैसे ही आप घी रोस्ट करने के बाद में हल्का सा इनको जब गोल्डन कलर हो जाता है, उसके बाद में जब हम खीर में, हलवे में जब डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, मैं काजू को कंटिन्यू हिलाते हुए इनको रोस्ट कर लूँगी, छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो काजू जो है हमारे जलते बहुत जल्दी हैं, इसलिए काजू जल जाएंगे। तो छोड़ना नहीं है, इनको कंटिन्यू हिलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो देखिए, काजू हमारे रोस्ट हो गए हैं और उनको मैंने कर दिया एक साइड में। अब मैंने जो बादाम की कतरन ली थी उनको मैंने डाल दी है, उनको भी मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी। तो बादाम की जो कतरन है वो भी जल्दी रोस्ट हो जाएगी क्योंकि इनका छिलका उतरा हुआ है और ये कतरन है। अगर वैसे बादाम हो तो थोड़ा सा टाइम लेती है रोस्ट होने में। तो देखिए, मैंने ये जो काजू और बादाम की कतरन को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, दोनों रोस्ट हो गए। देखिए, काजू का कलर चेंज हो गया है। तो ये मतलब अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और कतरन भी रोस्ट हो गई है। तो इनको मैं कर देती हूँ साइड में और इन्हीं के साथ में मैं ले लेती हूँ जो मैंने किशमिश लिया था, वो किशमिश मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इनको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। बट मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, कंटिन्यू इनको चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए, किशमिश जो थी वो भी ऑलमोस्ट हमारी सिक्के तैयार हो गई हैं और इधर जो काजू और कतरन है बादाम की, उनको भी मैं इनके साथ में चला दूंगी, नहीं तो वो भी साइड में रखे हुए जल जाएंगे, इसलिए इनको मैं साथ साथ में इनको भी चला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये तीनों ड्राई फ्रूट्स जो थे वो अच्छे से सिक्के तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, 5-6 जो बादाम ली थी हमने जो डबल पीसेज में कट करके, उनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और वो जो मैंने डबल पीसेज में कट की हैं उनको मैंने कट किया है बादाम, जो हमारी खीर बनेगी उसको गार्निश करने के लिए। तो देखिए, बादाम भी हमारी सिक्के तैयार हो गई हैं और सारे ड्राई फ्रूट सिक्के तैयार हो गए हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ एक अलग बाउल में। तो ये मैं आप बाउल में निकाल लेती हूँ इनको अच्छे से। देखिए,
सभी को। और ये मैंने बाउल में निकाल लिया है। और अभी हमें क्या करना है, अभी देखिए जो हमने मखाने लिए थे, मखाने हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इनको हमने घी रोस्ट किया था तो ये ठंडे हो गए हैं और बहुत ही क्रंची हैं। तो इनको हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लिया है और उसके अंदर हमें दरदरे पीसने हैं। बिल्कुल भी मिक्सी को चलाना नहीं है। तो देखिए मैंने ये मिक्सी को बस थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा चला के मिक्सी को और इनको दरदरा पीस लिया, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। एक बार हल्का सा चलाने से ये दरदरे पीस जाते हैं। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर कढ़ाई में जो दूध है वो दूध लिया है, मैंने ये एक कप दूध का लिया है। अगर आप पैकेट का दूध यूज़ कर रहे हैं तो आप फुल क्रीम यूज़ कीजिए, और अगर आप घर का दूध यूज़ कर रहे हैं तो मलाई के साथ यूज़ कीजिए, क्योंकि मलाई के साथ जो खीर बनती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। और फुल क्रीम में भी दूध बहुत अच्छी, खीर जो होती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने ये मलाई वाला दूध लिया है एक कप का, और इसको मैंने उबाल लिया है गैस पे, और उसमें उबाल आ रही है तो इसको मैं कंटिन्यू हिलाते हुए इसको चलाती रहूँगी। और देखिए मैंने हमारा जो दूध था उसमें उबाल आ गया है। उसके बाद भी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा केसर, और मैंने आधा कटोरी इसमें डाल दिया है चीनी, क्योंकि चीनी में हम कमी पसंद करते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आधा कटोरी पूरा डाल दीजिए। मैंने इसमें आधे से भी आधी मतलब कटोरी डाली है। और तो देखिए घी और जो दूध है उसके अंदर मैं ये जो चीनी और जो केसर लिया था उसको अच्छे से कंटिन्यू हिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए जैसे जैसे दूध हमारा दूध में केसर घुल रही है तो उसका हल्का हल्का सा कलर आ रहा है। तो देखिए मैं कंटिन्यू हिलाते रहूंगी, इसको छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। और जो चारों ओर दूध चिपक रहा है उसको भी मैं इसके अंदर मिक्स करती रहूंगी, और हमें जब तक चलाना है जब तक दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक इसको हम कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहेंगे, और बीच बीच में देखते रहेंगे कि दूध हमारा गाढ़ा हो गया क्या। तो देखिए हल्का हल्का सा दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, तो हम देखते रहेंगे। एक जो खीर बनाने की जो दूध की जैसा हमें चाहिए वैसा दूध हम गर्म होके तैयार हो गया है, ऐसा ही दूध हमें खीर बनाने के लिए चाहिए। तो इसमें मैं डाल देती हूँ जो हमने मखाने लिए थे, उन मखानों को मैं इसके अंदर दूध में डाल देती हूँ और इनको कंटिन्यू मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए मखाने हमारे इसके अंदर मैंने सारे डाल दिए हैं, और इनको स्लो टू मीडियम रखना है गैस की फ्लेम को। तो ये देखिए मखाने अच्छे से मिक्स हो गए हैं इनके अंदर, और जैसे मखाने डालने के बाद में इसको कंटिन्यू चलाते हुए चारों ओर से हिलाते हुए दूध को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसको हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक जो खीर में ये मखाने जो हैं अच्छे से मिक्स होके और एक गाढ़ा सा मतलब खीर नहीं बन जाती। और उसके बाद में मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और थोड़े से मैं गार्निश के लिए रख लूंगी। और अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ खीर जो हमारी है वो बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी, ऐसी ही गाढ़ी गाढ़ी खीर हमें चाहिए। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो तकरीबन खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी हमें क्या करना है, मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ खीर को। तो देखिए आप देख सकते हैं चम्मच में मतलब एकदम गाढ़ी खीर बन रही है, ये देखिए। अभी हमें क्या करना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए खीर हमारी ठंडी हो गई है, ये देखिए ठंडी हो गई, और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी मलाई की परत भी आ गई है जो मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दी है। अभी हम मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में मैं खीर को सर्व कर दी हूँ, और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने छोड़े थे वो उनसे मैं गार्निश कर दूँगी। तो देखिए बादाम जो थी जिसको मैंने डबल कट कर लिया था और रोस्ट कर लिया था, तो कितनी बढ़िया लग रही हैं। जैसे रोस्ट करने के लिए जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको रोस्ट करके ही लेना चाहिए गार्निश के लिए। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और जब मैंने मखाने रखे थे रोस्ट करके उसी टाइम मैंने 5-6 मखाने निकाल लिए थे जो मैं गार्निश में लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये मखाने मैंने सारे लगा दिए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, एक चम्मच लूँगी और चम्मच से इन मखानों को अच्छे से डिप कर दूँगी दूध में। तो फ्रेंड्स इस खीर का एक ध्यान रखना है कि इसको हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि इसको हम शुरू में ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो उसके बाद में जैसे जैसे खीर हमारी ठंडी होएगी तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा लिक्विड रखना है
ताकि जैसे जैसे हमारी खीर ठंडी हो तो ये एकदम खाने वाले ही की तरह बन जाए कि हाँ ऐसी खीर हम खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मखानों को अच्छे से डिप कर दिया है इसके अंदर तो, और गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट से, कितनी बढ़िया लग रही है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये मखाने की खीर का वीडियो जो है वो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर करना, और फ्रेंड्स नवरात्रि में आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, और अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये मखाने की खीर की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलूंगी।